हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेजिनेशन एलिमेंट्स के बारे में। पेजिनेशन एलिमेंट्स एक बहुत बड़ा एल्गोरिथम तो नहीं था, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है। और इसने क्या करा उन वेबसाइट के लिए, यानी कि मान लीजिए आपने एक लिस्ट जारी किया, जैसे मान लीजिए आपकी वेबसाइट पर कोई लिस्ट है और उस लिस्ट को आपने छोटा करने के लिए आपने नेक्स्ट बटन का ऑप्शन दे दिया, जिससे नेक्स्ट पे क्लिक करते तो नेक्स्ट लिस्ट खुल जाती है। तो इस तरीके की जो लिस्ट होती है वो वेबसाइट पे ज्यादा इफेक्ट डालती है और इससे पांडा अपडेट्स उन वेबसाइट को फैच करता था। और गूगल ये मानता है कि ये जो लिस्ट है वो यूजर फ्रेंडली होती है, इससे यूजर को बेनिफिट्स होता है लिस्ट को हिस्सों में डिवाइड करने के लिए, लिस्ट को पेज में डिवाइड करने के लिए। लेकिन पांडा अपडेट ये समझ नहीं पाया और उसने उन वेबसाइट पे क्या करा, डुप्लीकेट कैसे लगा कि उसको पांडा से अपडेट ने उसको अफेक्ट कर दिया, उसकी रैंकिंग डाउन होने स्टार्ट हो गई। तो गूगल ने इसको रिजोल्व करने के लिए पेजिनेशन एलिमेंट्स को रोल आउट किया, जिसका मेन मोटिव था अगर आप वेबसाइट में इस तरीके की कंटेंट यूज करोगे, जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ये एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट में इसमें 18 लिस्ट, अगर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो नेक्स्ट लिस्ट ओपन हो जाती है। ये अभी सेकंड लिस्ट है, यहाँ पे 3 लिखा है, थोड़ी देर बाद जब नीचे आया मैं तो यहाँ लिखा है, आप देख सकते हैं यहाँ आया 3, और इसमें क्लिक करूंगा तो 4, 5, 6, 7, 8, और यहाँ पे सबका यूआरएल भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है ऊपर लिस्ट चेंज करने की वजह से। तो जो ऐसी जो अपडेट्स थी, इन तरीके की चीज को गूगल अलाउ नहीं करता, गूगल नहीं कहता कि आपको इस तरीके का यूज करना चाहिए था, क्योंकि पांडा अपडेट्स इन तरीके की वेबसाइट को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन आपको घबराने की बात नहीं है, क्योंकि गूगल ने एक अपडेट रोल आउट किया जिसका नाम है पेजिनेशन एलिमेंट्स। इसके थ्रू आप इन चीजों को अपनी वेबसाइट पर एलिमेंट्स को यूज कर सकते हो और आपके एल्गोरिथम में, आपके जो रैंकिंग में अफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि गूगल ने अपने एल्गोरिथम में कुछ चेंजेस किए और आपको भी कुछ चेंजेस करने के लिए कहा। क्या कहा? गूगल इंट्रोड्यूस्ड द रेल नेक्स्ट रेल प्रीव्यू, यानी कि अगर आपको नेक्स्ट बटन दबाएगा तो आपको इस वाले कोड का इस्तेमाल करना है, रियल नेक्स्ट का। और अगर आप प्रीव्यू जा रहे हो, बैक जा रहे हो लिस्ट में, तो आपको रेल प्रीव्यू का इस्तेमाल करना है ये लिंक में। गूगल ऑल्सो अनाउंस दैट दे हैड इम्प्रूव्ड ऑटोमेटिक कंसोलिडेशन एंड कैनोनिकलाइजेशन फॉर व्यू ऑल पेजेस। जैसे मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल के थ्रू, अगर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो आप मेरे को रियल नेक्स्ट का ऑप्शन को लिंक में यूज करना है और प्रीव्यू में रियल प्रीव का कोड मेरे को यूज करना है। ये उन डेवलपर के लिए है, वो अगर एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से वेबसाइट अगर बनाना चाहते हो आप, तो डेवलपर को, अगर आप डेवलपर है तो आपको ये चीज यूज करनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सोर्स कोड में आगे दिखाता हूँ ये किस तरीके से लगाई जाती है। मैं कंट्रोल यू दबाऊंगा तो आप सोर्स कोड दे सकते हैं, नीचे पेज व्यू सोर्स दबाऊंगा तो आप यहाँ पे सोर्स कोड दे सकते हैं। मैं कंट्रोल एफ दबा के सर्च करता हूँ रियल प्रीव्यू, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लिंक रियल प्रीव्यू, प्रीव्यू लिखा है और रियल नेक्स्ट लिखा है। तो ये जो कोड है यहाँ पे, ये वाला और ये वाला, आप देख सकते हैं ये इसलिए लगाया गया है ताकि वेबसाइट के रैंकिंग में ज्यादा अफेक्ट ना आए, और इसने वेबसाइट के रैंकिंग को डाउन होने से रोक दिया रियल नेक्स्ट और रियल प्रीव्यू का। तो दोस्तों आशा करता हूँ अगर आप भी अपनी वेबसाइट पे इस तरीके का कंटेंट यूज कर रहे हो, जो कि आप कोई बड़ी लिस्ट है, कोई 1500 शब्दों की लिस्ट है या 2000 की लिस्ट है, आप नहीं चाहते कि 2000 लिस्ट को एक बार में यूजर को दिखाओ, आप चाहते हो उसको 100-100 टुकड़े में बांट दो, तो इस तरीके की चीज में आपको रेल नेक्स्ट और रेल प्रीव्यू जैसे दो वर्ड्स का यूज करना पड़ेगा, जिससे कि आप पांडा अपडेट से बच सकें और आपको पेजिनेशन एलिमेंट्स को फॉलो कर सकें। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये एल्गोरिथम समझ में आया होगा। अगर इस एल्गोरिथम में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हो। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक मिलेंगे किसी नेक्स्ट एल्गोरिथम के साथ।